बस तुम उसे मार दो। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे तेलुगु फिल्मों के सुपरस्टार महेश बाबू के फिल्म गुंटूर गारम के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 20 के बारे में। दोस्तों बात करेंगे तेलुगु लैंग्वेज की 2024 की एक्शन कॉमेडी ड्रामा फिल्म गुंटूर गारम के कलेक्शन की बात कर ले तो फिल्म के आज सिनेमाघरों में रिलीज हुए 20 डेज कम्प्लीट हो चुके हैं। और बात करेंगे फिल्म गुंटूर गारम के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 20 की तो फिल्म गुंटूर गारम ने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 20 के अंदर वर्ल्ड वाइड के बॉक्स ऑफिस से 70 लाख की कमाई की है। इसी के साथ फिल्म गुंटूर गारम का फ्रॉम डे 20 तक टोटल वर्ल्ड वाइड के बॉक्स ऑफिस से 274 करोड़ की ग्रॉस कमाई कर चुकी है, जहां फिल्म का अपने स्टेट आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना बॉक्स ऑफिस से 194 करोड़ की ग्रॉस कमाई हो चुकी है। दोस्तों फिल्म के बजट की बात कर ले तो फिल्म गुंटूर गारम को ओवरऑल 200 करोड़ के बजट में तैयार किया गया था, इंक्लूडिंग प्रमोशन कॉस्ट को मिलाकर। अब फिल्म गुंटूर गारम फिलहाल अपने बजट के मुकाबले बॉक्स ऑफिस पर 250 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी है। दोस्तों बता दूं कि फिल्म गुंटूर गारम को रीजनल लैंग्वेज में रिलीज किया गया है। फिल्म गुंटूर गारम में महेश बाबू का एक्शन स्वैग देखने को मिला। फिल्म को अगर आपने मिस किया तो नजदीकी थिएटर्स में फिल्म का लुत्फ जरूर उठाएं। चलिए दोस्तों बात करते हैं साउथ फिल्मों के सुपरस्टार धनुष एंड शिवा राजकुमार स्टार फिल्म कैप्टन मिलर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 20 के बारे में। दोस्तों बात करेंगे तमिल लैंग्वेज की 2024 की एक्शन ड्रामा फिल्म कैप्टन मिलर के कलेक्शन की तो फिल्म के आज सिनेमाघरों में 20 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। बात करेंगे फिल्म कैप्टन मिलर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 20 की तो फिल्म कैप्टन मिलर ने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 20 के अंदर वर्ल्ड वाइड से 1.05 करोड़ की कमाई की है। इसी के साथ फिल्म कैप्टन मिलर का फ्रॉम डे 20 तक टोटल वर्ल्ड वाइड के बॉक्स ऑफिस से 127.20 करोड़ की ग्रॉस कमाई कर चुकी है। दोस्तों बता दूं कि जहां फिल्म का अपने स्टेट तमिलनाडु से 100 करोड़ ग्रॉस से ज्यादा की कमाई हो चुकी है तो वहीं फिल्म का केरला के बॉक्स ऑफिस से 5 करोड़ से ज्यादा की कमाई हो चुकी है। दोस्तों बता दूं कि फिल्म ने केरला के बॉक्स ऑफिस से 5 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर उसके कैरियर की सबसे ज्यादा केरला के बॉक्स ऑफिस से कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। दोस्तों फिल्म कैप्टन मिलर के बजट की बात कर ले तो फिल्म कैप्टन मिलर को ओवरऑल 60 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है, इंक्लूडिंग प्रमोशन कॉस्ट को मिलाकर। दोस्तों फिल्म कैप्टन मिलर की बात करें तो फिल्म में धनुष का जबरदस्त एक्शन स्वैग देखने को मिला। फिल्म में उनका लुक काफी जबरदस्त नजर आ रहा। फिल्म को दोस्तों अगर आपने मिस किया तो नजदीकी थिएटर्स में फिल्म का लुत्फ जरूर उठाएं। चलिए दोस्तों बात करते हैं 2024 की सुपर ब्लॉकबस्टर फिल्म हनुमान के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 20 के बारे में। दोस्तों बात करेंगे तेलुगु फिल्मों के सुपरस्टार तेजस और स्टार फिल्म हनुमान के कलेक्शन की बात कर ले तो फिल्म के आज सिनेमाघरों में रिलीज हुए 20 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। और बात करेंगे फिल्म हनुमान के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 20 की तो फिल्म हनुमान ने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 20 के अंदर 2.75 करोड़ की ग्रॉस कमाई की है। इसी के साथ फिल्म हनुमान का फ्रॉम डे 20 तक टोटल वर्ल्ड वाइड के बॉक्स ऑफिस से 284.75 करोड़ की ग्रॉस कमाई कर चुकी है, जहां फिल्म का अपने स्टेट आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना बॉक्स ऑफिस से 177 करोड़ ग्रॉस तो वहीं फिल्म का हिंदी वर्जन से 56 करोड़ की कमाई हो चुकी है। फिल्म हनुमान के बजट की बात कर ले तो फिल्म को 50 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है। फिल्म की बात की जाए तो फिल्म का VFX काफी शानदार है। फिल्म को काफी ज्यादा पॉजिटिव रिव्यू देखने को मिले हैं। दोस्तों बता दूं कि फिल्म इस वीकेंड 300 करोड़ के आंकड़े को आसानी से पार करने वाली है। फिल्म हनुमान को अगर आपने अभी तक मिस किया है तो आप एक साल 2024 की बेहतरीन फिल्म को मिस कर रहे हैं, नजदीक थिएटर्स में फिल्म का लुत्फ जरूर उठाएं। चलिए दोस्तों बात करते हैं 2024 की तमिल लैंग्वेज की साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म अहेला के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 20 के बारे में। दोस्तों बात करेंगे शिवा कार्तिक एंड कुलप्रीत सिंह स्टार फिल्म अहेला के कलेक्शन की बात करें तो फिल्म के आज सिनेमाघरों में 20 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। और फिल्म अहेला ने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 20 के अंदर वर्ल्ड वाइड से करीब 95 लाख की कमाई की है। इसी के साथ फिल्म आयलैंड का फ्रॉम डे 20 तक टोटल वर्ल्ड वाइड के बॉक्स ऑफिस से 103 करोड़ की कमाई कर चुकी है। दोस्तों बता दूं कि फिल्म का 80% कलेक्शंस तमिलनाडु स्टेट से है। दोस्तों फिल्म आयलैंड के बजट की बात करें तो फिल्म को 80 करोड़ के बजट में तैयार किया गया था। दोस्तों फिल्म आयलैंड को फैमिली ऑडियंस काफी ज्यादा पसंद कर रही है। फिल्म को दोस्तों अगर आपने मिस किया तो नजदीकी थिएटर्स में फिल्म का लुत्फ जरूर उठाएं। तो दोस्तों ये था लेगा जो का हाल फिल्म के कलेक्शंस का। ये पोस्ट पसंद आया तो लाइक करेगा और लाइक करे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बॉक्स ऑफिस के लेटेस्ट न्यूज के लिए जुड़े रहिए मेरे इस एंटरटेनमेंट न्यूज के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।